ये अपुन के भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे रोकेगा तू? ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। टेस्ट किए बिना तुम बस अपना फायदा चाहते हो। वर्कर्स और गांव वालों की परवाह किए बिना केमिकल्स को तुम हवा में छोड़ रहे हो। अगर ऐसा चलता रहा तो ये जगह नरक बन जाएगी। तो बन जाने दे नरक। शेकर, शेकर, नो! क्यों मार रहे हो इसे? जो मन में आएगा वो करोगे क्या? पुलिस का काम हमारी बात सुनना है, क्वेश्चन करने का नहीं। शेखर, ये देख, तेरी वजह से भाई का बीपी बढ़ गया, उन्हें यहाँ तक आना पड़ा। भैया, दुनिया में बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं है। अभिषेक से ऐश्वर्या की शादी मुझे पसंद नहीं, क्या मैं रोक पाया? सचिन तेंदुलकर का रिटायर होना मुझे पसंद नहीं है, क्या वो रोक पाया? मेरा प्रोजेक्ट शुरू करना तुझे पसंद नहीं है तो रोक पाएगा क्या? तूने प्रोजेक्ट के लिए लोगों के बारे में सोचा, अब तेरी मौत के लिए लोगों का क्या मानना है देखते हैं। हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ उसे रोकने की इसने कोशिश की है। अगर इसे बचाने के लिए किसी ने भी हाथ उठाया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये मत सोचना कि अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, लेकिन जरा सोच समझ के हाथ उठाना। तुम्हें इन सब लोगों के सामने क्यों मार रहा हूं पता है? ताकि दोबारा कोई मेरे प्रोजेक्ट को रोकने की हिम्मत ना करे। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। फाइल ऑलरेडी कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। एसपी साहब, बटालियन क्यों लाए? मिस्टर दामोदर, यू आर अंडर अरेस्ट। चार्ज क्या है? हर्षद नाम के आई विटनेस के मर्डर का इल्जाम है तुम पर। hey! हर्षद, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है एसपी साहब को क्लियरली बताओ। सर, दामू जी से सीआई साहब को शायद कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का खून दामू भाई ने किया है सर, गवाही देने के लिए सीआई साहब ने मुझे फोर्स किया था। इतना ही नहीं सर, दामू जी के डुप्लीकेट से मेरे फेक मर्डर का वीडियो भी इन्होंने बनवाया है। उसके बाद सीआई साहब की कस्टडी में मुझे किसी ने मारने की कोशिश की तो मैं वहां से किसी तरह भाग निकला सर। मिस्टर शंकर, डिपार्टमेंट ने पावर पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, अपने पर्सनल यूज करने के लिए नहीं। यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड। मिस्टर दामोदर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूं। इतने दिन तूने मेरे लोगों के साथ खेला, अब तेरी बारी है। मुझे पता था कि तेरा आदमी मुझ पर नजर रख रहा है। अब अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ। अगर बचना चाहते हो तो मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर लगे एलिगेशंस क्लियर कर दो। मेरी वजह से आपको सर झुकाना पड़ा सर। दामू ने मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर देना सर। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। ए
ऐसे हीरो जैसे शेड्स लगाकर क्या बैठा है? मेरा मैसेज दिया नहीं तेरे इस जोकर ने? मेरे आदमियों को बेवकूफ बनाकर उनके मामूली बिजनेस सीज करने जैसा आसान नहीं है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को टच करना। ए, इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने क्लियरेंस दी है, एनर्जी कमीशन ने लाइसेंस दिया है, फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने परमिशन दी है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दिया है। ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे रोक पाएगा? वैसे मुझे कविताएं बनाने का बहुत शौक है, एक सुनाता हूं। मुझे पत्थर से मत मारो, उन्हें बटोर कर घर बना लूंगा। मुझे जलाने के लिए आग मत लगाना, उससे मैं घर के दीप जला लूंगा। मुझे यहाँ से हटाने के मत सोचना तुम, वरना यहाँ से हटाकर तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। और हाँ, याद रखना एक बात, मुझे मारने के लिए जहर मत देना, वरना पीकर नीलकंठ बन जाऊंगा। सिंपल। फॉरेन टूर्स पर विस्की पीने वाले अब जहर पियेंगे? विशाल महारा, ये फॉरेन टूर कोऑर्डिनेटर नहीं, अंडरकवर कॉप है। मेरे यहाँ लैंड होने से पहले ही इसे वहां प्लांट कर दिया था। तुमने वो डिपार्टमेंट क्लियरेंस कैसे ली, किससे मसाज करवाया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और इस प्रोजेक्ट में मैं स्टे लेकर आया हूँ। तो कौड़ी के पुलिस वाले मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को टच करेगा तू? तेरी औकात ही क्या है? ए, इसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला दोगे ना? अपडेटेड हूँ यार, उसके लिए पहले टुकड़े करने पड़ेंगे, पर वो तुमसे होगा नहीं, ट्राई कर। अरे क्या बात, सीआई साहब कितने चालाक हैं। कचरा साफ करके बोर्ड लगा दो, चलो। मिस्टर दामोदर, स्पेशल डिवीजन कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर टेम्परेरी स्टे लगाया है।